मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट एक की टीम ने विरार के रायपाड़ा परिसर से एक ऐसे साथी चोर को गिरफ्तार किया है जो अकेले ही विरार पुलिस स्टेशन की हद में 2022 और 23 के बीच में 14 घर फोड़ी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से तकरीबन 4 लाख के सोने चांदी के गहने, एक मोबाइल फोन और चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होने वाली कटोनी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपी अब तक कुल 24 घर फोड़ी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल चुका है। आपको बता दें कि पालघर जिले का विरार परिसर पिछले कुछ महीनों से आए दिन होने वाली चोरी की घटनाओं के लिए सुर्खियों में है। अज्ञात चोर आए दिन किसी न किसी घर का ताला, खिड़की या फिर दरवाजा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। 21 जनवरी को भी किसी अज्ञात चोर ने विकास नगर के साईं गणेश अपार्टमेंट के 2 घरों में चोरी कर 30,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के गहने और कैश रोक रकम की चोरी की थी। इस मामले की जांच करते हुए क्राइम ब्रांच यूनिट एक की टीम ने 23 जनवरी को अकरम अंसारी नाम के एक चोर को विरार के रायपाड़ा परिसर से गिरफ्तार किया। अंसारी ने पुलिस को 2022 और 23 के बीच 14 चोरी की घटनाओं को करने की बात कबूली। इन चोरी की घटनाओं के अलावा भी अकरम पर 10 चोरी के मामले पहले भी दर्ज हैं। विरार पुलिस स्टेशन के हद में 2022-2023 में करीबन दिन के घरफड़ियों की तादाद बढ़ गई थी। 21 तारीख को साई गणेश अपार्टमेंट विकास नगरी में भी 2 जन के घर पे घरफोड़ी हुई थी, रुक्मिनी गोवेकर और प्रवीण पांगम। उनके घर से करीबन 30,000 के सोने के दागिने और कुछ कैश अमाउंट चोरी हो गई थी। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी यूनिट 3 के टीम लगातार कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में हमने काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेज और हमारे गोपनीय सूत्रों से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। उसमें हमें एक बंदे का नाम हमें पता चला और उसके बाद हमारी टीम ने उसको 23 तारीख को हमने उसको रायपाड़ा विरार पूर्व से उसको हमने उसको ताबे में लिया। उसका नाम है अकरम अंसारी। उसको जब क्राइम ऑफिस में लाया गया और उसके पूछताछ चालू की तो हमें पता चला कि उसने अभी तक पूरे विरार पुलिस स्टेशन के हद में 2022 और 2023 के 14 दिन के घरफोड़ी उसने की करने की हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद में हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी हुआ और अभी तक हमने करीबन 14 घरफोड़ी हमने उसके पास से डिटेक्ट किए हैं। 14 घरफोड़ियों में जो गया हुआ जो मुद्दे माल था करीबन 3 लाख का सोने चांदी के जवाहरात, मोबाइल फोन और कैश, ऐसा पूरा करीबन 3 से 4 लाख रुपए का मुद्देमाल हमने बरामद किया है। उसके साथ ही जो गुने में इस्तेमाल की जाने वाली जो मोटरसाइकिल थी, पैशन व्हीकल, वो भी हमने जब्त की है। करीबन 4 दिन की पुलिस कस्टडी इस आरोपी की मिली है। इसका बैकग्राउंड अगर देखोगे तो इसने अभी तक इसके पुराने भी करीबन इसके ऊपर 8 से 10 घरफोड़ी के गुने इसके ऊपर दाखिल है और ये वसई विरार के इलाके में ही घरफोड़ी और वो भी स्पेसिफिकली दिन की घरफोड़ी करता है, ऐसा पता चला है। सर, ये कोई गिरोह है या सिंगल व्यक्तिगत आदमी करता था? ये अकेला करता है, इसके साथ में अभी तक तो कोई इसका साथीदार हमें मिला नहीं। मूल रूप से कहाँ का रहने वाला सर? ये रायपाड़ा विरार ईस्ट। सर, सिर्फ 2022 से लेकर 2023 के दरमियान में ही उसने 14 वारदातों को अंजाम दिया है, इसके पहले भी तो उसने फिर और सारी वारदातें की होगी। इसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि इसका पुराना बैकग्राउंड हमने निकाला तो इसके ऊपर 10 घरफोड़ी के गुने दाखिल है जिसमें वो अटक हो चुका है। सर, इतने सारे घरफोड़ियों में इतना कम सोना बरामद होना कुछ शंका पैदा करता है सर। नहीं नहीं नहीं, जब वो बेसिकली टारगेट करता था कि ऐसे छोटे छोटे घर जहाँ पे मतलब जहाँ पे चोरी हुई है, जहाँ पे 5 ग्राम चोरी हुई है, 10 ग्राम चोरी हुई है, कई जगह पे मोबाइल चोरी हुआ है, कई जगह पे 8-10 हज़ार का कैश चोरी हुआ है, ऐसा उसने चोरी किया हुआ है। मतलब ये माना जाए कि लो प्रोफाइल जो जगह नहीं, जहाँ जहाँ मिला है वहाँ किया है, लेकिन अभी तक पूरे 14 घरफोड़ी के इसमें अभी तक हमने करीबन 3 लाख के ऊपर का मुद्देमाल हमने
पूरा हमने जब्त किया है, उसमें करीबन 8 तोले के सोना के जावरात भी हमने उसमें बरामद किया है। सर, लोकल पुलिस स्टेशन को इस तरीके के अपराधियों को पकड़ने में दिक्कत हो रही है और क्राइम ब्रांच बड़े आसानी से पकड़ लेता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी पुलिस स्टेशन में भी उनके जो डीबी का स्टाफ है वो भी कार्रवाई कर रही है, उन्होंने भी काफ़ी सारे अच्छे डिटेक्शन किए हैं। जिसको लीड मिलता है, जिसको इन्वेस्टिगेशन में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो उसका इन्वेस्टिगेशन करता है। सर, ये आरोपी अकेले ही ये सब घरपोड़ी करता था कि वो किस तरह की उसकी ऑपरेटिव होती थी? वो जो उसकी मोटरसाइकिल है, पैशन मोटरसाइकिल, वो वहाँ पे वो एरिया में हमेशा थोड़ा सा घूमता था, एरिया की छाननी करता था। जब उसको पता चलेगा कि कोई घर खाली है या बाहर गए है, तब वहाँ पे जाके उसका वहाँ पे वो ये घरपोड़ी के वारदात करता था। अभी फिलहाल में सिर्फ विरार पुलिस स्टेशन के हाथ में उसके 14 घरपोड़ी हमने डिटेक्ट किए। पकड़ने में किस तरह से कामयाबी मिली पुलिस ने, किस तरह से आरोपी तक पहुंचे? हमको इन्फॉर्मेशन मिली, सीसीटीवी फुटेजेस का हमने इस्तेमाल किया, जो वहाँ के हमारे इन्फॉर्मर्स है उनसे हमने इन्फॉर्मेशन निकाली और हमारे टीम ने उसको फिर उसके आधार पे हमने उसको गिरफ्तार किया। मैंने आपको बताया ना कि वो एरिया में घूमता था, वहाँ की रेकी करता था। जब उसे पता चल जाता था कि वहाँ पे वो घर में उनके लोग वहाँ पे निकल गए या बाहर गए, तब जाके वहाँ पे वो घर में जाके घरफोड़ी करके फिर वहाँ से उसका मुद्देमाल उठा के भाग जाता था। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।